उस दिन आंगन में लगे हुए और आंगन के पास के पेड़ों को काटने का काम था। आंगन में आरे वाले अपनी आरियों को तेज कर रहे थे। एक आदमी एक पेड़ के चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। हवा उस पेड़ के पत्तों को खूब हिला रही थी, जैसे कि उस पेड़ को कहकर जा रही हो कि उस दिन उस पेड़ की खैर नहीं थी। वो पेड़ अपने मालिक बाबा जी का मन पसंद था। उस पेड़ को बाबा जी पर पूरा मान था। काफ़ी समय पहले भी ऐसा ही एक दिन था और बाबा के बेटे ने उस पेड़ को बेच दिया था और काटने वालों को बुलवा लिया था। उस दिन सबसे पहले उस पेड़ की जड़ों को काटने के लिए उसके चारों तरफ एक गड्ढा खोदा जा रहा था। तभी अचानक बाबा जी अपने पोते को गोदी में उठाए बाहर आ गए। वो बाहर के उस नज़ारे को देखकर और पेड़ की जड़ों को काटने वाले मजदूर और आरियों को तेज करने वाले लोगों को देखकर बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबा जी के चेहरे पर गुस्सा देखकर वो मजदूर घबरा गया, लेकिन फिर बोला, ये पेड़ आपके बेटे ने ग्रीन आरा मिल वालों को बेच दिया है, मैं तो बस अपना काम ही कर रहा हूँ जी। उस मजदूर ने डरते डरते बाबा जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे बाबा जी के बेटे ने उस पुराने प्यारे पेड़ को बेच दिया था। बाबा जी ने उन मजदूरों को वहाँ से भेज दिया। कुछ देर के बाद जब आरा मिल का मालिक आया तो बाबा जी अपनी लाठी निकाल कर बाहर आंगन में आ गए। बाबा जी ने बेटे को 3-4 लाठियाँ मारकर कहा, तू जानता है ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था और आगे ये मेरे पोते को दिया जाएगा। बाबा जी बैठकर अपने पोते के सर पर हाथ फेरने लगे। बेटे ने घबराते हुए कहा, बापू अभी तो ये नई कोठी बनाई है, हमारी इस कोठी के सामने ये पुराना पेड़ भला अच्छा लगेगा? हम एक पेड़ या नए पेड़ या अशोका के पेड़ लगवा लेंगे जिनसे गंदगी नहीं होगी आंगन में और लॉन में। ये सुनकर बाबा जी का पारा और भी चढ़ गया। फिर तो ये पेड़ ही नहीं, मैं भी तेरी इस कोठी को गंदा लगूंगा अब से, मुझे भी कटवा कर भेज देना। मेरे जीते जी खबरदार किसी ने भी मेरे इस पेड़ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। बाबा जी की बहू हाथ जोड़कर अपने पति के सामने खड़ी होगी, क्योंकि वो बाबा जी के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। सभी लोग जानते थे कि बाबा जी बेटे की कुटाई भी कर सकते थे। आरा मिल से आए लोग वापस चले गए। समय अपनी चाल चलता रहा और कई वर्ष बीत गए। बाबा जी का पोता भी जवान हो गया था। बाबा जी बहुत बूढ़े हो गए थे। कई दिनों से बाबा जी उस पेड़ की छाया में बैठे भी नहीं थे। कोठी के अंदर से बाहर आते हुए उनके पोते ने कहा, चलो अब काम शुरू करो। एक मजदूर ने कहा, जब काटने आए हैं तो काट ही देंगे, लेकिन क्या आपने अपने बाबा जी से पूछ लिया है? पिछली बार बाबा जी ने हमारे मालिक के पिताजी के सामने लाठी निकाल दी थी। पोते ने कहा, तुम लोग पहले इसकी जड़ काटनी शुरू कर दो, मैं तुम लोगों के लिए चाय भेजता हूँ। पोता कोठी के अंदर चला गया, लेकिन बाहर आंगन बैठे मजदूर तब भी असमंजस में थे। कुछ देर के बाद काम करने वाली ने चाय के ग्लास लाकर सभी मजदूरों को दे दिया। एक मजदूर ने उस काम करने वाली से बाबा जी के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर थे। काम करने वाली ने कहा, तुम लोग बाबा जी की चिंता छोड़ दो, उनके पोते उनको परसों ही एक वृद्धाश्रम में छोड़ाए थे। ये बात सुनकर मजदूर चिंता मुक्त हो गए और आराम से चाय पीने लगे। हवा उस दिन भी चल रही थी, लेकिन पेड़ के पत्ते कुमला गए थे। उसकी टहनियां झुककर जमीन की तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ कह रहा हो, जिस दिन
जिन लोगों ने अपनी जड़ खुद ही काट दी हो, वो लोग हमारी जड़ों को कैसे छोड़ेंगे। चाय पीने के बाद मजदूर एक बार फिर से अपनी आरी को और भी तेज करने लगे और उधर वर्षों पुराना पेड़ अपने जीवन के अंत होने की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।